हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी लेटेस्ट अपडेट। जी हाँ फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी से रिलेटेड जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो इंपॉर्टेंट है, वीडियो को अंत तक देखते रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के साथ साथ ऑल के बटन पर क्लिक कर लें, जिससे कि सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास सबसे पहले और फ्री में पहुँचती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी डिप्लोमा कोर्सेज के लिए जितने भी स्टूडेंट ने कॉलेज लॉ किए थे, फाइनल लॉ किए थे, उनका आज सीट अलॉटमेंट होने वाला है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज 8 तारीख है, 8 तारीख को ही उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के अकॉर्डिंग आपका सीट अलॉटमेंट किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, स्क्रीन पर आप आसानी से देख पा रहे होंगे कि आपने यहाँ पर चॉइस लॉ किया था 4 नवम्बर से लेकर, यहाँ पर 4 नवम्बर को आसानी से 31 अक्टूबर से लेकर 14 नवंबर तक आपने ऑनलाइन चॉइस यानी सीट लॉक की थी। उसके बाद आपका सीट आवंटन परिणाम घोषित करने की तिथि है, देखिए 8 नवंबर 2022 यानी आज आपका सीट अलॉटमेंट होने वाला है। इसके बाद आपको क्या क्या करना होगा ये भी आप आसानी से समझ सकते हैं। आपका ऑनलाइन सिक्योरिटी फी जमा होगा जो कि आपका 5,000 रुपये जो कि ऑनलाइन आपको पे करना होगा। 8 तारीख से लेकर 9 तारीख शाम 5 बजे तक आपको ऑनलाइन सिक्योरिटी फी जमा करना होगा। उसके बाद ही आपका प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं 8 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में। और उसके बाद आपका आवंटन प्रशिक्षण केंद्र में रिपोर्टिंग एवं प्रवेश प्रक्रिया आपका 9 तारीख से लेकर 12 नवंबर तक यानी 9 नवंबर से लेकर 12 नवंबर तक आसानी से आप कॉलेज में जाकर एडमिशन ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप समझ सकते हैं आगे आपको क्या क्या प्रोसेस करना होगा। आज आपका सीट अलॉटमेंट परिणाम घोषित हो जाएगा, उसके बाद आपको ऑनलाइन सिक्योरिटी फी जमा करना होगा जो कि 5,000 रुपये जमा करना है आपको ऑनलाइन, जो कि आप 8 तारीख से लेकर 9 नवंबर 2022 तक यानी 5 बजे तक आसानी से आप ऑनलाइन फीस जमा कर सकते हैं। उसके बाद प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर आपका आ जाएगा 8 तारीख से लेकर 10 तारीख, जैसे आप करेंगे फीस आसानी से उसके बाद आपका प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड आप आसानी से कर सकते हैं, उस पर लगातार वीडियो आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये देख सकते हैं कि आगे क्या क्या प्रोसेस होने वाला है।